हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे हम लोग, जिसमें लास्ट वीडियो हमने भरतपुर में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको हमने पढ़ लिया था। अब हम करेंगे भीलवाड़ा जिला, जिसे कि वस्त्र नगरी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ के पर्यटन स्थल को पढ़ते हैं। मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मैनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। चारों तरफ जंगलों से घिरा मैनाल का झरना है, दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। 150 फीट गहरी खाई में गिरने वाली इसकी जल धारा बड़ी जोर की आवाज करती है और देखने वाले को नजर वहां से नहीं हटती। मैनाल में शिवजी का अत्यंत सुंदर वैभवशाली मंदिर है। तो देखिए, पूछा जा सकता है कि नेशनल हाईवे 27 पर मैनाल जलप्रपात है, ठीक है, जहां पर काफी संख्या में पर्यटक जो है वो आते हैं, क्योंकि इसका जो झरना है वो इतना अच्छा लगता है देखने में कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट देखिए, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दूर है। इस जगह का ऐतिहासिक महत्व क्योंकि यह मध्य काल के दौरान कई युद्धों का साक्षी रहा। कौन? मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इतिहास प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने इस स्थान पर डेरा जमाया था। लगभग आधा मील लंबा किला पहाड़ी के शिखर पर प्राचीर और खाई की सुरक्षा के साथ अड़िग है। माना जाता है कि किला बालनोट राजपूतों के एक प्रमुख द्वारा निर्मित किया गया। किले में दो मंदिर हैं, जिसमें एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा भगवान कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और यह भी पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, शाहपुरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर है शाहपुरा कस्बा। यह चार दरवाजे वाली दीवार से घिरा राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायियों के लिए सन 1804 में स्थापित तीर्थ स्थान है। पूरे वर्ष देश भर से तीर्थयात्री इस मंदिर की यात्रा करने के लिए आते हैं। यहाँ 5 दिन के लिए फूल डोल मेला के रूप में जाना जाने वाला वार्षिक मेला फागुन शुक्ल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो फूल डोल मेला जो है वो कब आयोजित होता है? फागुन में। शाहपुरा के उत्तरी भाग में एक विशाल महल परिसर है, जो छज्जों, मीनारों और छतरियों द्वारा सुशोभित है। इसके ऊपरी भाग से रमणीय झील और शहर के सुंदर दृश्य को देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा के थे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम इन्हीं से संबंधित पढ़ेंगे, राजस्थान के व्यक्तित्व जो है, प्रभावशाली व्यक्तित्व, तो वहां हम देखेंगे इनके बारे में। तो थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि केसरी सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारठ, ये कहाँ के थे? भीलवाड़ा शाहपुरा के। त्रिमूर्ति स्मारक, बारठ जी की हवेली और पिवनिया तालाब यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण हैं, जो अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दिए गए हैं। शाहपुरा पारंपरिक फण चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। इसे तो हम बहुत अच्छे से जान भी चुके हैं कि फड़ के लिए तो शाहपुरा परिवार जो है वह जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भीलवाड़ा के बाद बूंदी जिला, जिसे कुंड और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी को क्या कहा जाता है? कुंड और बावड़ियों का शहर। और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी। तारागढ़ फोर्ट, तारागढ़ का किला, राजपूत शैली में 1345 में निर्मित यह किला बूंदी की सबसे आकर्षक जगह है। यह किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बने हैं, दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय स्तंभ, शीर्ष मंडप वाली छतरियां, वक्राकार छत और हाथी व कमल के रूप में सजी इनकी सुंदरता से लगाया जा सकता है। तो तारागढ़ फोर्ट कहाँ है? बूंदी में। राव बरसिंह द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, 84 खंभों की छतरी, बूंदी के महाराज अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी एक प्रिय सेवादार की स्मृति में बनवाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी है, ठीक है। तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, किसने बनवाई है? बूंदी के महाराज अनिरुद्ध सिंह ने। किसके लिए बनवाई थी?
एक प्रिय सेवादार की याद में। यह एक प्रभावशाली तथा सुंदरता संरचना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी तो है, लेकिन वो क्यों बनवाई गई है? तो महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने ये अपने सेवादार की स्मृति में बनवाई। यह एक प्रभावशाली तथा सुंदर संरचना है जिसे पर्यटक इसकी कलात्मक नक्काशी, जिसमें हिरण हाथी अप्सराओं का चित्रांकन है, इसके कारण बहुत प्रसिद्ध पसंद करते हैं। नेक्स्ट है चित्र महल या बूंदी। तो देखिए इसमें इतना ज्यादा आप लोगों को समझाने की कोई बात नहीं है, ये साइकोलॉजी तो नहीं है जिसमें आप लोगों को डीप में जाकर समझाया जाए। ये चीजें जो हैं ये आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी, और इसका एक बेहतर तरीका यही होता है कि चैप्टर जो है वो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको बिल्कुल अपने से लगने लग जाएंगे, और फिर आपको ये चीजें जल्दी याद होंगी। क्योंकि अगर आप केवल क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट कर दें याद करने में, तो इतना सारा मैटर है, कहाँ तक याद करोगे आप, परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ा करिए। इतना सारा मैटर जब पढ़ते हैं तो स्टोरी टाइप में पढ़ते हैं, तो इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं वो क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं लेकर आती हूँ, तो वो चीज आपको याद भी रह जाती है। इसीलिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। और अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है क्योंकि आप लोग तैयारी जो है वो पहले से किए हुए हैं। चित्र महल कहाँ है? बूंदी में। बूंदी का चित्र महल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था, जिसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए थे और बहुत से तालाब थे जिनमें विविध प्रजातियों की अनोखी व विदेशी मछलियां हुआ करती थी। इस महल का नाम इसीलिए चित्र महल रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि बूंदी का चित्र महल किसी जमाने में क्या था? शानदार बगीचों से भरा हुआ था, ठीक है? बहुत से तालाब थे, फव्वारे थे, विविध प्रजातियां थी, विदेशी मछलियां थी, तो इसलिए इस महल का नाम क्या रख दिया? चित्र महल। क्योंकि इसकी सभी दीवारें और छतों को बेहद सुंदर आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है। पुराने जमाने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था। यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग्स को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं, युद्ध के दृश्य, हाथी, राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में ही देखने को मिलते हैं। तो चित्रकारी जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बूंदी की। चित्र महल में एक और चित्रशाला भी है जहां पर चित्र बनाए जाते थे, तो उसे क्या कहते हैं? चित्रशाला, जिसे महाराज उम्मेद सिंह जी के आदेशों से बनवाया गया था। तो ये लाइन जो है बिल्कुल आप लोगों ने पहले पढ़ी है। यह चित्रशाला चूंकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में है, इसलिए यहाँ की बनी पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी, मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तथा कलाकारों द्वारा पेंटिंग्स को दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में ही मौजूद है। उसके बाद देखिए रानी जी की बावड़ी, ठीक है, क्वीन स्टेपवेल। सन 1699 में बूंदी के शासक राजा अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावती, इन्होंने बनवाई थी रानी जी की बावड़ी। इस बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। मतलब क्या है कि ये द्वार जो है वो इस तरीके का दिखाई देता है कि पर्यटक जो है इसकी तरफ आकर्षित होते ही हैं। बहुमंजिला बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन है, जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिससे ऐसा आभास होता है मानो हाथी बावड़ी से ही पानी पी रहा हो, ठीक है? तो बिल्कुल याद रखना है रानी जी की बावड़ी, क्वीन स्टेबल कहाँ है? बूंदी जिले में है। किसने बनवाई थी? नाथावती ने बनवाई थी। नाथावती कौन थी? राजा अनिरुद्ध सिंह की, बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह जी की पत्नी थी। नेक्स्ट देखिए चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, चलिए अब इनके जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है चित्तौड़गढ़ का ही किला। सिसोदिया राजपूतों का यह गढ़ किला गंभीरी और भीड़च नदी के तट पर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, गंभीरी और भीड़च नदी के तट पर है चित्तौड़गढ़ का किला। इस किले के निर्माण की ऐतिहासिक तिथि पर मतभेद है। पौराणिक कथा के अनुसार पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के पांडव नायक भीम द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। किले में बहुत से भव्य स्मारक हैं, जिनमें से कुछ समय की मार झेलकर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं।
तो इसमें इतना कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा कि गंभीरी और बेड़त नदी के तट पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। किसने बनवाया था? चित्रांगन मोरे ने बनवाया था। मेसा की पहाड़ी पर, मेसा के पठार पर स्थित है ये, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा कौन से दुर्ग का बहुत बार जीर्णोद्वार करवाया गया? वो है चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट है विजय स्तंभ। यह महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी करने के उपलक्ष्य में सन 1440 में बनवाना शुरू किया। 8 वर्षों में निर्मित हुआ शिल्प कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर सफेद संगमरमर से बनाया गया है। 9 मंजिला है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति अलंकृत की गई है। इसमें ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियों का रास्ता है और ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। तो विजय स्तंभ जो है वह किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? यह जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था उस विजय उपलक्ष में विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। और कहीं पर आपको क्या मिलेगा ये 1437। नेक्स्ट देखिए कीर्ति स्तंभ। यह विशाल स्तंभ जैन तीर्थकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है, ठीक है। ऋषभदेव या आदिनाथ जो कौन से जैन तीर्थकर हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक धनी जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। किसे? कीर्ति स्तंभ को। यह 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना है। विजय स्तंभ से भी पुराना है। इस 6 मंजिल स्तंभ पर जैन तीर्थकर की और ऊपरी मंजिल में लघु मूर्तियां शिल्पांकित की गई हैं। तो कीर्ति स्तंभ आदिनाथ जी को समर्पित है। अगला है चित्तौड़गढ़ में भैसरोणगढ़ का किला। इसे देखने के लिए भी पर्यटक आते हैं। यह भव्य आकर्षण किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ है। भैसरोणगढ़ का किला चंबल और ब्राह्मणी नदियों से। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति की पेशकश की जाए तो वह भैसरोणगढ़ को ही चुनेंगे। कोई सटीक जानकारी ना मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हालांकि यह किला 2री शताब्दी में निर्मित किया गया। ऐसा माना जाता है कि कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस किले पर आक्रमण किया था, यहाँ के सभी पुराने मंदिर इमारतों को नष्ट किया था। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है, इसीलिए पर्यटक जो है इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। 3 तरफ नदियों से घिरा है। अरावली पर्वतमाला, घने जंगल के बीच इस किले की खूबसूरती देशी विदेशी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। दौसा जिला। दौसा जिला में चलिए देखते हैं कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। फर्स्ट है चांद बावड़ी आभानेरी की। राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम आभा नगरी था, परंतु आम बोलचाल की भाषा में क्या हो गया? आभा नगरी से आभानेरी हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह 2 दिन तक चलता है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना और लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। तो देखिए ये जो भी पर्यटन स्थल हैं ये किस जिले में हैं, इस चीज को तो आप याद ही रखिएगा। तो चांद बावड़ी आभानेरी में दौसा में है और आभानेरी महोत्सव जो है वह सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हर्षद माता मंदिर जो आभानेरी में दौसा से 33 किलोमीटर दूर चांद बावड़ी परिसर में ही स्थित है। यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हर्षमुख प्रतीत होती हैं और भक्तों को खुश रखने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो इतना ही याद रखिएगा हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? दौसा में है। नेक्स्ट जो जिला है वो है धौलपुर।
वन विहार अभयारण्य धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए यह अभयारण्य 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। यह अभयारण्य पर्यटकों तथा विशेषकर प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र, यहाँ पाए जाने वाले सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, हाइना, तेंदुआ जैसे जीवों के साथ साथ विभिन्न वनस्पतियों का भंडार भी है। तो इतना नहीं याद रखना है, इतना ही याद रखना है कि धौलपुर में वन विहार अभयारण्य है। मचकुंड सूर्यवंशीय साम्राज्य के 24वें शासक कौन है? राजा मुचुकुंद। इनके नाम पर ही पवित्र स्थल का नाम रखा गया मचकुंड। शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल भगवान राम से पहले 19वीं पीढ़ी तक राजा मुचुकुंद के शाही कार्यस्थल के रूप में रहा। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी दैत्य काले मैने ने अचानक उसे उठा लिया, परंतु यह देवीय आशीर्वाद से दैत्य जलकर भस्म हो गया। इसी कारण यह प्राचीन पावन तीर्थ स्थल माना जाता है। तो देखिए, धौलपुर का ही है वन विहार अभयारण्य और मचकुंड, बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। ये जो कहानी है आपके एग्जाम में नहीं आने वाली। नेक्स्ट है तालाब ए शाही। तालाब ए शाही यह भी कहाँ है? धौलपुर में। सन 1617 में यह तालाब ए शाही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी। धौलपुर से 27 किलोमीटर दूर बाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह झील राजस्थान की खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं तालाब शाही में और अपने घोंसले बनाते हैं, जैसे पिंटेल है, रेड कॉस्टेड पॉच है, बत्तख और कबूतर आदि। चलिए नेक्स्ट है डूंगरपुर जिला। धौलपुर जिला जो है उसके जो पर्यटन स्थल हैं वो इतने ज्यादा एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डूंगरपुर जिला। यहाँ का जो बैनेश्वर मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है। सोम और माही नदियां, वेणेश्वर मंदिर कहाँ है? सोम व माही नदियों के पास में। इसमें डुबकी लगाने के बाद वेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण के भाव से यहाँ आते हैं। इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग वेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम और माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा ये स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। वेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले माओ जी की बेटी जनक कुमारी द्वारा 1793 ईस्वी में निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां माओ जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया था। माओ जी के 2 शिष्य अजय और बाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है। माघ शुक्ल पूर्णिमा यहाँ सोम व माही नदियों के संगम पर विशाल मेला लगता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेणेश्वर मंदिर जो है कहाँ है? डूंगरपुर जिले में, और सोम व माही नदियों के संगम पर मेला लगता है, वो भी विशाल मेला लगता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को, जहां दूर दूर के गांव और शहरों से लोग आदिवासी पवित्र स्नान करने के लिए और पूजा करने के लिए यहाँ इस मंदिर में आते हैं। गलियाकोट, दाऊदी बोरा समाज का पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह। तो देखिए, दाऊदी बोरा समाज का पवित्र स्थान कौन सा है? गलियाकोट दरगाह। कहाँ है? डूंगरपुर में 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट नामक एक गांव है। यह स्थान सैयद फकरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है। वह एक संत थे जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद गांव में ही दफना दिया गया। यह मजार श्वेत संगमरमर से बनवाई गई और उनकी दी हुई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्थरों से सजाया गया, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्ण किया गया। तो गलियाकोट का उर्स लगता है। तो दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह। कहाँ है? डूंगरपुर में। गैब सागर झील। इस झील के प्राकृतिक वातावरण और कोलाहल से दूर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी का बसेरा है। रमणीय झील गैब सागर डूंगरपुर का प्रमुख आकर्षण है। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर और विजय राजराजेश्वर मंदिर शामिल है।
तो इतना नहीं भी याद रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन गलियाकोट और बैनेश्वर मंदिर जो डूंगरपुर का, ये आपके लिए विशेष है और इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हनुमानगढ़ जिला, तो कालीबंगा के बारे में कौन नहीं जानता, आप सभी ने कई बार पढ़ा है जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था। 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। ये अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियां, मोती, सिक्के, टेराकोटा, सीप के खिलौने मिले हैं। यहाँ 1983 ईस्वी में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जिसे 1961 और 69 के दौरान, 61 से 69 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया था। यह संग्रहालय में 3 दीर्घाएं हैं, जिनमें एक दीर्घा पूर्ण हड़प्पा काल और शेष 2 दीर्घाएं हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए समर्पित है। तो कालीबंगा जो है यह भी एक स्थल है, यहाँ पर पुरातत्व प्रेमियों के लिए अवशेष जो है वो मिले थे। उन्होंने यहाँ खुदाई की थी, जिसमें उनको क्या क्या मिला था, मानव कंकाल मिला था, हड़प्पा कालीन सील, अज्ञात स्क्रिप्ट मिली थी, तांबे की चूड़ी मिली थी, सीप के खिलौने मिले थे, सिक्के मिले थे, मोती मिले थे। नेक्स्ट है भटनेर का किला, कहाँ है, हनुमानगढ़ में। भटनेर भट्टी नगर का अपभ्रंश है, तो भट्टी नगर से ही क्या बना, भटनेर, तथा उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। भारत कि सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला भटनेर किला या हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो जानते हैं आप, किले का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आयने अकबरी में इसका उल्लेख हुआ है। देखिए, आयने अकबरी, इसमें उल्लेख हुआ है किसका, भटनेर के किले का। किले का निर्माण 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने किया। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पाया। अंत में 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और इस पर कब्जा कर लिया। चलिए, नेक्स्ट जिला जो है वो कौन सा है, जयपुर जिला, जिसे गुलाबी शहर कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पर्यटन की दृष्टि से तो काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, हवा महल। बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला यह महल अनूठा है। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। देखिए, ये वाला एग्जाम में पूछा गया है कि हवा महल कितने मंजिल हैं, हवा महल में कितने मंजिल हैं, तो ये 5 मंजिला है। इसके वास्तुकार हैं लाल चंद उस्ता, ठीक है, ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना है। राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली दोनों का ही मिश्रण है हवा महल। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी हैं। 953 बेहद सुंदर आकर्षक छोटे छोटे कई आकार के झरोके हैं। इसे बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले, त्योहार, जुलूस, इसको महारानियां इस महल के अंदर से देखती थी। हवा महल गर्मी के मौसम में इन झरोखों के कारण क्या है, बहुत ही अच्छा रहता है, वातानुकूलित रहता है। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। 5 मंजिला है यह, 953 इसमें खिड़कियां हैं और इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है, लालचंद उस्ता। तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जयपुर का आमेर महल। जयपुर के 11 किलोमीटर की दूरी पर है। कछवाहों की पुरानी राजधानी है आमेर। अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का भी मुख्य आकर्षण केंद्र है आमेर महल। तो देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पूर्व में कछवाहा राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसको आप बिल्कुल अभी याद रख लीजिए कि आमेर महल जो है वह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल की गई है। यह हिंदू व मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। आमेर का महल 1992 में राजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनवाया था। आमेर महल का आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनवाया गया। इसमें नक्काशी का कार्य
बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्ची कारी काम, जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता को चार चांद लगाते हैं। तो आमेर का महल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कछवाहों की पुरानी राजधानी है आमेर। बनवाया किसने? 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने। क्यों बनवाया? दुश्मनों से मुकाबला और बचाव के लिए। अगला देखिए जंतर मंतर। जंतर मंतर के बारे में काफी पढ़ा है आपने, सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है जंतर मंतर। तो जयपुर में जंतर मंतर है। इसके अलावा 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर की यह क्या है? एक वेधशाला है, इसे जंतर मंतर कहते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें आप लोग एक नोटबुक में पीछे की साइड में ये चीज नोट करिएगा, जितने भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं, चाहे वो है महल है, किले हैं, ठीक है, तो वो चीज आप लिख लीजिए। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र, समय को मापने, सूर्य की गति, कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। तो क्या है जंतर मंतर? एक वैधशाला। नेक्स्ट है जयगढ़ फोर्ट। तो जयगढ़ का किला जो है वह भी कहाँ है? जयपुर में। देखिए यहाँ पर ये दो बार है जयगढ़, जयगढ़, जिसमें गढ़, गढ़ का अर्थ भी क्या होता है? फोर्ट ही होता है, किला ही होता है, तो इसको हम जयगढ़ भी कह सकते हैं। 1726 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय और सवाई जयसिंह द्वितीय, इन्होंने जंतर मंतर बनवाया था। इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोपे बनवाने का कारखाना, विश्व की सबसे बड़ी तोप, जयबाड़ के कारण राजस्थान में आने वाला प्रत्येक पर्यटक जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखना चाहता है। इस तोप को एक बार चलाया गया था जिसमें शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गड्ढा बन गया था। इसकी लंबाई 21 फीट 3 इंच और वजन 50 टन है। इसके 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाहरगढ़ का किला। जयपुर में ही है। अंधेरी रात में तारों की छाओ में नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का विहंगम अभूतपूर्व अद्भुत और मदमस्त नजारा सारी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। शहर की रोशनी को देखकर लगता है कि जमीन पर क्या उतर आए हैं? तारे उतर आए हैं। सन 1734 में महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान ही इस किले का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। इस किले में बनवाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्मकाल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक, राजा के कक्षों का समूह, आलीशान दरवाजे, खिड़कियां, भित्ति चित्र से सजाया गया नाहरगढ़ अतीत की यादों को समेटे शान से खड़ा है। अभी हाल ही में महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनवाई गई। तो 1734 ईस्वी में महाराजा जयसिंह के शासनकाल में ही बनवाया गया नाहरगढ़। नेक्स्ट देखिए अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम। तो देखिए ये जो चैप्टर है आपका, ये पूरी 10th क्लास में सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो यही चैप्टर है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके कई पार्ट बनेंगे। सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया। तो याद करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अल्बर्ट हॉल जैसा कि विदेशी नाम है तो इसे विदेशी ने ही बनवाया होगा। सर स्विंटन जैकब द्वारा इसका डिजाइन बनवाया गया था तथा इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया। राम निवास बाग के बीच में अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व और मनमोहक इमारत हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। तो इसमें क्या है? इसमें कोटा की, बूंदी की, किशनगढ़ की, उदयपुर शैली जो है वहां की लघु चित्रों का क्या है, ये एक संग्रहालय है, ये क्या है, एक म्यूजियम है। अगला है गलता जी। गलता जी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। यह गालव ऋषि की तपोस्थली है। गलता जी स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। तीर्थ यात्री यहाँ क्या करते हैं? स्नान करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में मंडप और पवित्र कुंड है, मंदिर भी है।
इस स्थान में मंदिर है, मंडप है और पवित्र कुंड है। गलता जी आने के लिए आगंतुक पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इसे ये नाम यहाँ पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला। तो देखिए, पूछा जा सकता है बंदर मंदिर कहाँ है, तो बिल्कुल ढूंढते रह जाओगे कि ये हमने कहाँ पढ़ा था। RBSC की बुक में ही पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, 10th चैप्टर में पढ़ा था कि बंदर मंदिर जो है वो कहाँ है, जयपुर में। हरियाली का खूबसूरत नजारा और उछलते कूदते बंदर क्षेत्र के खुशनुमा माहौल से इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। दीवान कृपा राम द्वारा निर्मित ये मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय है। ईशर लाट सरगासुली शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार ईशर लाट को स्वर्ग भेदी मीनार या सारगासुली भी कहते हैं। देखिए, कई चीजें जो हैं वो अभी तक हमने इतने चैप्टर पढ़े हैं, कई चीजें बिल्कुल माइंड से क्लियर हो गई हैं कि ये चीज जो है वह कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाई थी। लेकिन जो भी आपके लिए बिल्कुल नए नाम आते हैं, ठीक है, तो 2 बार चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो ये चीज आपको भी याद हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने भी की थी, जब ये चीजें बिल्कुल अटपटी सी लगती थी, नाम जो पहली बार सुने थे। ईसर लाट शहरों के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार ईसर लाट को स्वर्ग भेदी मीनार या सरगासुली भी कहते हैं। राजा ईश्वरी सिंह ने 1449 में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनवाया था। त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित इस मीनार में अंदर की तरफ ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी है, जिनसे चढ़कर ऊपर से जयपुर का विहंगम दृश्य जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर में। श्री गोविंद जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जयसिंह वृंदावन से जयपुर लेके आए थे, ठीक है। अब देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोविंद देव जी, इनकी जो प्रतिमा है, वृंदावन से जयपुर कौन लाए, सवाई जयसिंह। या पूछा जा सकता है कि सवाई जयसिंह गोविंद देव जी की जो प्रतिमा है उसे कहाँ से लाए थे जयपुर में, तो वृंदावन से लाए थे, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के परकोटे में स्थित है, श्री गोविंद देव जी की मंदिर में स्थापित की गई है। शाही परिवार और स्थानीय लोग पूजनीय गोविंद देव जी में 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। तो वीडियो यहाँ पर विराम देंगे, क्योंकि चीजें जो हैं वो जितनी छोटी होती हैं उतनी ही ज्यादा क्लियर होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जैसलमेर के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।